प्रॉब्लम होती है चलने में और ये बहुत सारे गांव वालों ने यहाँ रेत जमा की है। हमें स्कूल में बहुत प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे चलने लगते हैं तो उनके जूते गंदे खराब हो जाते हैं, वो बालिश लग करके जूते लाते हैं, वर्दी लाते हैं अच्छी तरह से, और जब वो स्कूल पहुंचते पहुंचते वो खराब हो जाती है। और जो ये जो पानी होते हैं इस रेत में वो हमारे प्रीमिसेस में जमा हो जाता है, इससे बच्चों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम मुतल्लिका गुजारिश करते हैं, बहुत बड़ा गुजारिश करते हैं हाकिमों से कि हमें ये जो रेत है ये यहाँ से उठाया जाए ताकि हमें मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और गाड़ियाँ जो होती है, जो रेत भरते हैं गाड़ी में, बहुत शोर हो जाते हैं क्लास में पढ़ने, ये बच्चों को बहुत मुश्किल होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये मैं صبس کران اپیل بیس کران زڑوس از دیو دیوار اک بیت اللہ یس یک خود یتہ سیکیدن گرام اسن چمنا یتہ گننی یتہ سیک ایلز چپر ول سیک تایدن تم کا کا دوا کا چھ چھا مدان یہ معاملہ الریڈی میری نوٹس میں لایا جا چکا ہے اور ہم نے جتنی بھی وہاں پہ ریت ڈمپ کی ہوئی تھی اس سب کو ہم نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے। आई हैव ऑलरेडी डायरेक्टेड नायब तहसीलदार कि वो उन्होंने ऑलरेडी ऑक्शन प्रोसीडिंग्स जो है स्टार्ट की है, हम इसको जल्दी ऑक्शन भी करेंगे एक दो दिन में। और इसके अलावा जो स्कूल की दीवारबंदी का मसला है उसका मसला भी डीसी साहब से हम टेकअप करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो किसी भी स्कीम में कोई किसी प्रोविजन के तहत इस स्कूल की दीवारबंदी करें। मैं खुद साइट वहां पे गया हूं और बच्चों को दिक्कतें हैं और इंशाल्लाह उनका जल्द ही अजाला किया जाएगा। Your name is